अयोध्या शहर के सिविल लाइन स्थित ईदगाह जनपद के सभी 18 थाना क्षेत्र में भी सकुशल संपन्न हुई ईद की नमाज। वहीं आईजी प्रवीण कुमार, डीएम नीतीश कुमार व एसएसपी राजकरण नैयर ने सभी जनपद वासियों को ईद की बधाई व शुभकामनाएं दी। रामनगरी अयोध्या जनपद में भी सकुशल संपन्न हुई ईद की नमाज। शहर से लेकर जनपद व ग्रामीण क्षेत्र तक संपन्न हुई ईद की नमाज। शहर के सिविल लाइन स्थित ईदगाह में हजारों की संख्या में बता दें कि मुस्लिम भाईचारों ने ईद की नमाज अदा की और ईद की नमाज में मुल्क के अमन चैन की दुआएं मांगी। खुशी कायम रहे, भारत देश उन्नति के रास्ते पे अग्रसर है और आगे बढ़े, राष्ट्र मजबूत हो इस शुभ अवसर पर। और साथ ही साथ आज नवरात्र का भी दिवस चल रहा है, रामनवमी भी आने वाली है, रमजान का महीना चल रहा है और ईद आज है, तो ये राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं प्रेरक का काम करेगा। समाज में एकजुटता और भाईचारा, अमन शांति बनेगी और यही उम्मीद है हम लोग, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि भारत राष्ट्र सर्वोपरि राष्ट्र बने और अमन चैन कायम रहे, आपस में भाईचारा बने, शांति के रास्ते पर भारत एक नई दृष्टि, नई सोच, नई विचारधारा पूरे विश्व को देने का काम करे। ये गंगा जमुनी त्योहार हम सब का त्योहार है। रोजा रखने के बाद, अलविदा नमाज पढ़ने के बाद, तमाम करने के बाद एक मौका आता है ईद का शुक्रिया अदा करने का। तमाम मुसलमान देश के लिए, प्रदेश के मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में अमन भाईचारा बना रहे और लोग प्यार से, दिल से गले मिल रहे हैं, ये परिपाटी कायम रहे, हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है ये जिंदी रहे, इसको कायम करने के लिए हम सारे लोग पूरे देश के लिए अमन चैन की दुआएं करते हैं। ये आज अयोध्या जनपद के सभी 18 थाना क्षेत्रों में ईद की नमाज जो अदा की गई है, बताना चाहूँगा कि इसके लिए पूर्व से ही सभी संबंधित के साथ समन्वय स्थापित करके पुलिस व प्रशासन के द्वारा पुख्ता व्यवस्था की गई थी। सभी जगहों पे जहाँ जहाँ पे आवश्यकता है पुलिस बल तैनात किया गया है एवं सभी को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सबके साथ समन्वय स्थापित करते हुए सकुशल त्यौहार को संपन्न कराया जा रहा है।